गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे अपनी हिंदी की क्लास। ओके स्टूडेंट्स, तो हिंदी की क्लास में हमने अपने लास्ट क्लास तक देखा था सीधी सादी चिड़िया, ये लेसन। ओके, एंड इस लेसन की मतलब ये लेसन हमने समझा था अच्छे से। इसके साथ साथ हमने इस लेसन के कठिन शब्दार्थ भी देखे थे। तो अभी हम देखेंगे लेसन नंबर 17 का स्वाध्याय। ओके, तो चलो सब लोग अच्छे से वीडियो में ध्यान दो। सबसे पहले तो आप अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक निकालो और देखो पेज नंबर 59। ओके, तो देख स्वाध्याय में यहाँ पे अपने पास कुछ वचन दिए हैं। वैसे तो इन वचन के आंसर आपको खुद अपने मन से लिखने हैं, लेकिन फिर भी मैंने समझा के दिया है, लेकिन अगर आप चाहो तो अपने मन से भी इनके आंसर लिख सकते हो। ओके, तो देखो यहाँ पे अपने पास फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, क्या आपने गौरैया को देखा है, वह आपको कैसी लगी? तो मैंने मेरे हिसाब से लिखा कि हाँ, मैंने गौरैया हमको बहुत प्यारी लगी। क्या लिखा है मैंने कि हाँ, हमने गौरैया को देखा है और गौरैया हमें बहुत ही प्यारी लगी। ओके, वैसे तो अगर इसका भी हम फुल सेंटेंस में आंसर लिखने जाए तो ये इतना बड़ा हो जाएगा ना, इसलिए हमने थोड़ा सा शॉर्ट लिखा। समझ में आया आपको? उसके बाद यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्या आपने गौरैया के बच्चों को देखा है? देखो ना, अभी यहाँ पे आपको एक बात अच्छे से समझनी है और अपने दिमाग में बिठानी है कि गौरैया मतलब बस एक ही चिड़िया नहीं है, गौरैया का मतलब है कोई भी चिड़िया जो गौरैया जैसी हो। ओके, तो देखो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है आपके पास कि क्या आपने गौरैया के बच्चों को देखा है? तो क्या आपने कभी भी किसी भी चिड़िया के बच्चों को देखा है क्या? अगर हाँ तो यहाँ पे लिखना हाँ, हमने गौरैया के बच्चों को देखा है, क्योंकि मैंने देखा है इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे हाँ, मैंने देखा है। ओके, उसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्या आपको गौरैया के बच्चों की आवाज अच्छी लगती है? देखो क्या है थर्ड वाला क्वेश्चन यहाँ पे कि आपने कभी गौरैया के बच्चों की आवाज सुनी है क्या? देखो किसी भी चिड़िया के बच्चों की आवाज कभी भी आपने सुनी है क्या? देखो ना कितने प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे, है ना, चिड़िया के बच्चे इतने छोटे छोटे होते हैं और वो चिउ चिउ ऐसे करते हैं, तो उनकी आवाज कितनी अच्छी लगती है, है ना? तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि हाँ, हमें गौरैया के बच्चों की आवाज बहुत अच्छी लगती है। ओके, उसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है अपने पास कि गौरैया के घोंसले आप कहाँ कहाँ देखते हैं? देखो हम चिड़िया के घोंसले कहाँ कहाँ पे देखते हैं, किसी दीवार में देखते हैं, किसी पड़े हुए घर में देखते हैं, उसके साथ साथ खिड़कियों में, एंड सबसे ज्यादा तो हम कहाँ पे देखते हैं, किसी भी पेड़ पे। किसके घोंसले देखते हैं हम? चिड़िया के, यानी कि गौरैया के। ओके, तो देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, गौरैया के घोंसले हम खिड़की में और पेड़ों पर देखते हैं। समझ में आया आपको? तो ये जो कुछ 4 क्वेश्चंस है उनके आंसर मैंने आज की क्लास में आपको समझा के दिए, ब्लैक बोर्ड पे लिख के दिए, तो सेम वैसे ही आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से समझना है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको आने वाली एग्जाम में आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के क्लास हम यही पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं अपने अगले क्लास में सेम लेसन के साथ एंड इसी लेसन के स्वाध्याय के साथ।